सो हे गाइस, आज के वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक क्रॉप टॉप बनाने वाली हूँ मैं। तो ये है मेरा पुराना सूट, पुराना तो नहीं बोलना चाहिए, नया ही है। मैंने बड़े शौक से लिया था इसे, बट अब ये मुझे लॉन्ग पहनने का मन नहीं कर रहा है, मैं बोर हो चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसका कुछ DIY करके बना कर देखती हूँ। यहाँ से अगर काट दिया जाए इसे तो शायद अच्छा लुक आ जाए, तो ट्राई करते हैं, चलो कैसा बनता है फिर देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इसे सीधा कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने इसे थोड़ी देर पहले अभी पहना हुआ था, तो इसे सीधा कर लेते हैं। और सीधा करने के बाद ये जो चारों तरफ से इसे मैं बराबर अच्छे से पकड़ के इस तरीके से मैं फोर फोल्ड में इसको फोल्ड कर ले रही हूँ, क्योंकि हमको इस तरीके से कटिंग करनी है और हमें सिर्फ अपर पार्ट चाहिए, तो नीचे का पार्ट तो हमको चाहिए नहीं। तो उसके ऊपर अब मैं अपना जो टॉप है पुराना वाला वो मैं रख दे रही हूँ, और हमें थोड़ा सा इसे छोटा बनाना है, क्योंकि कमर के पास में हमें बेल्ट जैसे डोरी भी लगानी है। तो मैं थोड़ा सा इसकी साइज़ से कम काट रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से मैं काट रही हूँ। और उसके बाद हम मुझे सामने थोड़ा सा वी शेप, एक्चुअली ओपन गला चाहिए था, क्योंकि मैं इसे इनर के साथ पहनने वाली हूँ, तो इसी को मैंने रख दिया ये, क्योंकि ये मेरा वी शेप में है ये वाला ड्रेस। तो इस तरीके से सामने वाले गले को हम वी शेप में कट कर देंगे। तो इसे भी अच्छे तरीके से मैं प्लेस कर लेती हूँ, ताकि इधर उधर ना हो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कटना चाहिए। और इसे बीच से मैं पूरी तरीके से काट दूंगी वी शेप लेते हुए। तो पहले यहाँ पर से मैं वी शेप इसे काट देती हूँ, ये देखिए मैंने इसे काट लिया है। अब इसे मैं बीच से भी मैं काट दूंगी, ये देखिए इसे काटने के बाद में ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, जैकेट टाइप का लग रहा है अभी तो ये, बट इसमें हमें डोरी भी लगानी है। तो यहाँ पे सॉरी यार, मेरे से गलती हो गई थी कि बीच का पार्ट मैं सूट नहीं कर पाई थी, तो कोई ना, चलिए देखिए सामने का भाग जो है इसे मैंने फोल्ड कर लिया है, और बचे हुए फैब्रिक से मैंने पट्टी भी काट ली थी, और वो पट्टी मैंने यहाँ पे लगा दी है। अगर आपके पास में सेम फैब्रिक है तो आप सेम फैब्रिक से भी इसको फोल्ड कर सकते हो, बट मेरे पास में काला था अभी, तो मैंने काले से ही इसको अंदर की तरफ फ्लिप कर दिया है। और इस तरीके से मेरा ये टॉप जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो ये रहा मेरा टॉप का फाइनल लुक, ये देखिए। तो ये कैसा लग रहा है बिल्कुल आप मुझे बताइएगा। अगर आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरीके से मेरा साथ देते रहिए। और इसी तरीके का और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। मैं इसी तरीके के और DIY क्रॉप टॉप, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाते रहूँगी। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, टाटा बाय बाय।